ये फ्रेंड्स गिफ्ट आए हैं मेरे लिए, और अभी इनको खोलते हैं, अनपैकिंग करते हैं इनकी, के इनके अंदर क्या है चेक करते हैं। भाई बड़े मजे के, ये हमेशा उल्टे ही आ रहे होते हैं। भाई सीधा हो जा भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक ठाक हो? वालो खैर करिए। आज हम आए हैं जनाब गर्मा गर्म कबाब खाने के लिए। इनका खाना बहुत अच्छा होता है, कबाब का कारोबार कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त बनाते हैं। मेरा मोबाइल इधर है, ग्राफेट भी बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टूडेंट्स हैं मेरी, उन्होंने वीडियोस शेयर की अपने ग्रुप्स में और अपने कॉलेजेस वगैरह में, तो मुझे वहाँ से जो है वो गिफ्ट मिले हैं। तो आइए मैं आज आपको ये गिफ्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये फ्रेंड्स गिफ्ट आए हैं मेरे लिए, और अभी इनको खोलते हैं, अनपैकिंग करते हैं इनकी, के इनके अंदर क्या है चेक करते हैं जी। जी फ्रेंड्स, ये मेरे अभी मैं इसकी अनपैकिंग करने लगा हूँ, इसको खोलने लगा हूँ, तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। ये जो है गिफ्ट, ये जो भी आया है ये ईमान की तरफ से आया है। मैं ईमान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे ये भिजवाया, और मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, लेकिन मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और डेरी मिल्क आ गई। मोबाइल फ़ोन रिंग स्टैंड है जी, वाओ ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये उन्होंने मुझे मोबाइल फ़ोन का रिंग स्टैंड दिया है, ठीक है जी। ये इसके लिए मैं इनको थैंक यू बोलता हूँ, जज़ाकअल्लाह। ये जो मोबाइल रिंग था ये, और डेरी मिल्क जो है ये ईमान की तरफ से थी। अभी जो है ये एक और गिफ्ट है, ये देखते हैं ये क्या है। मुझे तो ये डायरी लग रही है, इसके अंदर डायरी होगी, चेक करते हैं जी। ये जो है लादेब की तरफ से है, और मैं इनसे कभी मिला भी नहीं हूँ, और इन्होंने मेरी वीडियोस देख के जो है वो मुझे ये भिजवाया है, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे जी, आपने इतनी इज्जत दी, इतना इस अच्छा जो है गिफ्ट किया मुझे। जी बिल्कुल, ये मेरा शक सही निकला, ये डायरी है जी, और ये बड़े मज़ेदार डायरी है जी, प्लानर है ये मेरे स्कूल में काम आ जाएगा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। तो जी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये याकूब भाई भी आ चुके हैं, ये देखें, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका गिफ्ट, और आपको आज देखें याकूब भाई भी बड़े मज़े के, वो हमेशा उल्टे ही आ रहे होते हैं। भाई सीधा हो जा भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक ठाक हो? वालो खैर खैरियत है? जबरदस्त हो? जबरदस्त हो, समझ तो गए। अच्छा अच्छा याकूब भाई, ये दो ये मुझे दिखाओ यार, ये चीज़ें ये आप देख रहे ना टेबल पे, ठीक है ना, ये मुझे मिले हैं जी। ये एक है मेरी स्टूडेंट है, उसके कॉलेज से ना उनकी फ्रेंड ने ये भिजवाया जी हमें, ये डायरी है एक, और एक ये मोबाइल का वो रिंग था, और एक डेरी मिल्क है, डेरी मिल्क भी हमारे पास ही है जी। जबरदस्त, बहुत अच्छे भाई, ये रिंग है जी, थैंक यू, शुक्रिया। तो ये देखे ना, हमें इतना ज्यादा वो सपोर्ट कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है, ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है हमारे लिए। एक बहुत खुशी की बात है कि आप हमें इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, देखा है आपने ये चीज भिजवाई है हमें, तो आपका मैं और याकूब भाई हम दोनों आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमें प्यार करते रहेंगे, हमें देखते रहेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे। आज हम आए हैं जनाब गर्मा गर्म कबाब खाने के लिए, और ये मुगलाबाद में हमारे आई साहब हैं, उनकी ये कबाब वाली दुकान है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो कबाब
खिलाते हैं हमें ये आप दुकान का नाम नहीं है दुकान का नाम नहीं है क्योंकि मरूफ हाजी साहब हैं यहाँ पे तो शफी होटल के सामने तो ये देख लें आज हम आपका तारफ भी करवाते हैं फॉलो में क्या हाल है जी खैरियत से हैं ठीक ठाक हैं क्या नाम है भाई का उमर उमर भाई क्या हाल है खैरियत से हैं कब से ये काम कर रहे हैं ये तो वाले साहब होते हैं उनको काफ़ी टाइम हो गया है इस टाइम से साल 40 साल अच्छा माशाल्लाह आजी साहब को जी माशाल्लाह माशा और ये आफत साहब मैंने पहले कभी नहीं देखे ये आप साल हो अच्छा माशाल्लाह जी ये देखें जी ये हमारे ये भाई भी आए हैं ये आप कबाब लेने आए हैं भाई जान जी सर कहाँ से आए हैं आप पिपल कॉलोनी से ये देख लें अल्लाह के पिपल कॉलोनी में काफ़ी सारे कबाब वाले बैठे हुए हैं लेकिन ये भाई स्पेशल वहाँ से आए हैं यहाँ पे कबाब लेने के लिए मेहरबानी भाई शुक्रिया जी दोस्तों ये देखें ये कबाब जो हैं ये हामिद भाई हैं ये बना रहे हैं जी दोस्तों ये मुग़ल आबाद मेन जो है ये रोड है और यहाँ पर जो है ये स्वाति फार्मेसी है स्वाति फार्मेसी के साथ ये हाफिज़ जी लाहौरी नाश्ता सेंटर है ये भी बहुत अच्छा बनाते हैं इंशाल्लाह इनकी भी जल्द आपको वीडियो हम आपसे शेयर करेंगे दूसरा ये हमारे आबद ये हमारा आबद क्या नहीं जा रहा है इसको भी जल्द वीडियो में लेकर आएंगे तो ये देख ले जी तो इंशाल्लाह ताला आपको और भी विज़िट कराएंगे तो ये कबाब बहुत मज़ेदार होते हैं जी इनके और टेस्ट बड़ा अच्छा होता है और बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं साफ़ सुथरा होता है इनका काम भी और सफाई का भी बड़ा ख्याल रखते हैं तो ये जी याकूब भाई जो हैं मेरे पास आए थे वैसे ही मुलाकात करने तो मैं इनको अभी राजा बाजार चले गए वहाँ हल्की सी बारिश होगी तो वहाँ से वापस आए हैं अभी तो अभी फिर यहाँ पे भूख लगी हुई थी तो इनको घर से फ़ोन आया कि भाई खाली हाथ नहीं आना कुछ ना कुछ लेकर आना है तो फिर हमने कहा चलें जी यहाँ से हम कबाब ही लेकर जाते हैं असल में दोस्तों सर्दी काफ़ी है आज सारा दिन बारिश होती रही है तो बारिश की वजह से गर्मा गर्म कबाब खाने का एक अपना ही लुत्फ है एक अपना ही मज़ा है तो आज मैं इसीलिए इधर आया हूँ तो नबील भाई ने कहा जी मैंने भी आज खाना है तो आज नबील भाई को भी इनके कबाब खिलाते हैं नबील भाई के भी 14 तबक रोशन हो जाएगा मैं खाता हूं ये याद रखना जिस बंदे को ज़ुकाम ज़्यादा लगा हो जिसका ज़ुकाम ठीक ना हो रहा हो और वो ये कबाब इसमें थोड़ी सी मिर्च तेज़ करके खाए और पानी ना पिए उसका ज़ुकाम ठीक हो जाएगा दोस्तों ये याकूब अंकल के टोटके हाँ जी दोस्तों ये हमारे काशी भाई भी हैं इनका ताल्लुक सुई गैस से है ये सुई गैस से काम करते हैं और ये भी यहाँ कबाब लेने आए हैं जैसे कि आपने याकूब भाई ने इनका पहले भी इंट्रोडक्शन करवा दिया है तो कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं ये देख लें दोस्तों ये बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं तो जो जो इस इलाके के हैं जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और उनको इस इलाके का पता है मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर आकर इनके खाने को ज़रूर टेस्ट करें चेक करें और ये इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे इनका खाना बहुत अच्छा होता है कबाब का कारोबार कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं और बहुत दूर दूर से इनके पास जो है ना वो दो लोग आते हैं और वहाँ से ये टेस्ट करते हैं यहाँ पर बैठ के खाने की भी जगह है यहाँ पर भी आप बैठ के खा सकते हैं ये याकूब भाई आपसे मैं कहूँगा इनको दिखा दें जी दोस्तों को व्यूअर्स को दिखा दें ये जगह यहाँ पर ये बैठ कर खा भी सकते हैं आप और घर भी ले कर जा सकते हैं ये देखें जी ये याकूब भाई जो हैं ये टेस्ट कर रहे हैं और याकूब भाई बताएंगे और साथ ये काशी भाई हैं ये बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है ये चेक कर लें आप ये देख लो यार ठंडा करके खाते हैं यार थप्पड़ के साथ यार वो भाई चुप चुप के हमें देख रहे हैं कैप्चर कर ये देखे जी वो भाई हमें चुप चुप के देख रहे हैं और वो ये याकूब भाई के भी चेक करा मस्ती कर रहे हैं आप ये याकूब भाई सामने वाली दुकान में चले गए भाई चुप चुप के मैं देख रहा था भाई हमें चुप चुप के देख रहा था और मैंने मेरी नजर पड़ गई भाई चेक करें नहीं आप चेक करेंगे चेक करें
भाई ने चेक किया, भाई का क्या नाम है? काशिफ अली। इनकी दुकान का भी लें जी? दुकान का नाम नहीं है, बस ये ऐसे ही है, जनरल स्टोर है जी। ये भी मुगलाबाद के सामने ही है, उसी शॉप के सामने है जिस शॉप से हमने कबाब लिया है। तो यहाँ से भी आप चीज़ें ले लें, ये भी अच्छे बंदे हैं, आपके साथ ताउन भी किया करेंगे। ये इतने मज़े के ना जी कि बग़ैर चटनी के खाया जा रहा है। और ये भी भाई जो है वो चटनी भी ले आए हैं, ये देखें। लेकिन ये बग़ैर चटनी के भी बड़ा मज़ेदार है जी। हमारा पार्सल तैयार हो चुका है, याकूब भाई रेडी हैं और अभी हम भी जा रहे हैं। तो आपका आपने हमसे सर आफत साहब बड़े गुस्से वाले बंदे हैं दोस्तों, थोड़ा मुस्कुरा दे। नहीं जी, कोई गुस्से वाले नहीं है जी, दे दी इन्होंने, बहुत अच्छे बंदे हैं। और इधर एक रॉकेट भी बैठा हुआ है, रॉकेट भी देख ले, ये रॉकेट आपको नजर आएगा। आफत साहब आप उधर देखे, जरा कैमरा में देखना पड़ेगा आपको, देखे उधर। मैं 10 रुपये दूंगा है जियो, गुड। तो ये थे जी हमारे यहाँ आज के, हमारी कम्युनिटी, और ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।